हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रानी मुखर्जी अक्सर बॉक्स ऑफिस की रानी भी कही जाती हैं, और क्यों ना हो, उनका सधा अभिनय और भूरी आंखों का जलवा आज भी करोड़ों के दिलों पर राज करता है। लेकिन हाल ही में उनकी रिलीज हुई फिल्में जैसे मर्दानी 2 और हिचकी में उनका अभिनय देखकर तो ये लगता है कि वो फैंस के दिलों को अपने राज से आज़ाद करने में फिलहाल तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रानी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत बियर फूल नामक एक बंगाली मूवी से की, जिसे उनके पिता राम मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में उनका सपोर्टिंग रोल था। उनका पहला बड़ा लीडिंग रोल 1996 की मूवी राजा की आएगी बारात में था, जिसमें उन्होंने एक रेप पीड़िता का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। उसके बाद रानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर गुलाम और कुछ कुछ होता है जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में काम किया। कुछ कुछ होता है में उनके टीना खन्ना के सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और एक यादगार रोल भी। हालांकि उसके बाद हेलो ब्रदर और नायक मूवीज़ में उनके रोल्स ने उनके करियर में कुछ खास मदद नहीं की, लेकिन 2004 में उनकी रोमांटिक कॉमेडी हम तुम और ड्रामा मूवी युवा जैसी हिट्स रिलीज हुई, जिसके नतीजन उन्हें उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला, जो कि ऐसा करने वाली वो पहली अभिनेत्री बनी। उसी साल उनकी मूवी वीर ज़ारा रिलीज़ हुई, जो कि 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी मूवी बनी। उनके सबसे यादगार रोल्स में से एक रोल था 2005 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में, जिसमें उन्होंने हेलेन केलर की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड एक अंधी और बहरी लड़की का रोल किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का दूसरा फिल्म फेयर मिला। अब इतनी शोहरत और दमदार एक्टिंग से ये तो साबित होता है कि रानी मुखर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। लेकिन करोड़ों दिलों की रानी अपनी निजी जिंदगी की हलचल बहुत कम ही साझा करती हैं। फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ उनकी शादी इटली में एक बेहद प्राइवेट समारोह में हुई, और जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स के तौर पर उनकी बेटी अदीरा ने कदम रखा। करियर के साथ साथ रानी अपने समाज कार्यों के लिए भी खूब सराही जाती हैं। बच्चों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है। वो शिक्षा और चिल्ड्रन राइट्स एंड यू योजनाओं की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त की गई। तो ये थी रानी मुखर्जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियाँ और दिलचस्प बातें। ऐसी और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएँ ताकि हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।